बाराबंकी में सांसद संजय सिंह का बसपा सुप्रीमो मायावती पर जोरदार हमला। संजय सिंह ने मायावती को बताया भाजपा की टीम भी। उन्होंने कहा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का चुनाव चिन्ह होगा हाथी की सूंड में कमल का फूल। कौशाम्बी में सड़क किनारे हजारों की संख्या में सरकारी दस्तावेज लावारिस हालत में मिले। इनमें कुछ स्टैम्प पेपर भी शामिल थे। एसडीएम ने बताया कि लावारिस हालत में मिले सरकारी दस्तावेज को कब्जे में ले लिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मचा हंगामा। एक महिला ने शादी समारोह में दिए जाने वाले सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। अधिकारियों के सामने ही घोटाले का आरोप लगाया। वीडियो ने आरोपों को निराधार बताया। लखनऊ में दबंगों ने किया जानलेवा हमला, जमकर बरसाई लाठियां। पीड़ित गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में कटान कर रही शारदा नदी से कई घरों में घुसा पानी। नदी में समा रहे घरों का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। बागपत पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, इसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,442 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,13,71,901 हो गई। वहीं कल 535 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से अब तक 4,20,551 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 39,972 लोग डिस्चार्ज हुए। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,212। देश में अब तक वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दे दी गई है। कल वैक्सीन की 45,74,298 खुराकें दी गई। मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जानकारी दी कि मुरादाबाद में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट को 3 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। शाहजहांपुर में महिला सहित 2 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। बेटे को बचाने के लिए टैंक में उतरी थी मां और कर्मचारी। टैंक में सफाई के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। गोरखपुर में जलजमाव से नाराज नागरिकों ने गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर किया चक्का जाम, आश्वासन के बाद माने क्षेत्रीय लोग। फिरोजाबाद में समर सेविल के लिए बिजली का लट्ठा गाड़ते समय 11,000 की बिजली लाइन से टकराया। करंट लगने से 3 युवकों की मौत, 3 लोग झुलसे। गांव बांस झरना नगला बढ़िया थाना नगला सिंधी की घटना। मथुरा में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवार ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। ग्रेटर नोएडा में ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस के आला अधिकारियों ने 4 लग्जरी कार भी बरामद की है। आगरा में चंबल के बीहड़ में तंत्र मंत्र करके 3 साल के एक मासूम की बलि का तथाकथित मामला सामने आया है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गड्ढा खुदवाकर मासूम बच्चे का शव बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस की साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह पॉलिसी के नाम पर ठगी करते थे। गिरोह के कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों में 14 लड़कियां और 16 पुरुष शामिल हैं। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने बोला हमला, जमकर की फायरिंग। चाय की दुकान पर बैठे अमित तिवारी और जयप्रकाश को दबंगों ने बनाया निशाना। असलहों से लैस दर्जन भर दबंगों ने दोनों पर हमला बोलकर दोनों युवकों को मारी गोली। गंभीर हालत में रानीगंज CSC से डॉक्टरों ने किया मेडिकल कॉलेज रेफर।
संत कबीर नगर में किसान नेता लक्ष्मण पांडे हत्या मामले में हत्या से गुस्साए भाकियों और सपाइयों ने परिजनों के साथ रोड जाम। शव को सड़क पर रखकर घंटों तक किया चक्का जाम। खलीलाबाद मेहंदावल रोड पर किया चक्का जाम। अलीगढ़ में जहरीली शराब हादसे के बाद से जिले के कई शराब माफियाओं पर प्रशासन का डंडा चला था। अब अलीगढ़ पुलिस ने शराब माफिया अनिल चौधरी की करीब 5,30,00,000 की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। सुल्तानपुर में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तराखंड में कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का दावा, अस्पतालों में बच्चों के बेड्स की व्यवस्था और बच्चों के लिए दवाइयों के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सभी जिलों के सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी पूरी तैयारी रखें। दो हजार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने रानीखेत नगर, मचखाली मंडल और ताड़ीखेत मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। रुद्रप्रयाग में हड़ताल की वजह से जगह जगह फैली गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। सफाई कर्मियों ने सांसद अजय टम्टा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। रुद्रपुर में पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के परिवार वाले अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ कहासुनी भी हुई। पिथौरागढ़ के अति संवेदनशील तहसील धारचूला मुनस्यारी के लोग काफी समय से विस्थापन की मांग कर रहे थे। इनमें से कुछ परिवार ऐसे भी जिनके मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे। डीएम का कहना है कि 184 लोगों के विस्थापन की धनराशि जल्द आ जाएगी, जिसके बाद इस रकम के लोगों को मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। रानीखेत के गोविंद सिंह महारा राजकीय अस्पताल में विधायक करण महारा ने डॉक्टरों के लिए विधायक निधि से एक बोलेरो गाड़ी दी। करण महारा ने कहा कि वो बचपन से देखते थे कि कहीं वीआईपी ड्यूटी में डॉक्टर लोग एम्बुलेंस में बैठकर जाते थे, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर स्टाफ के लिए एक बोलेरो गाड़ी उपलब्ध कराया है। कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार से गंगा जल भेजा जा रहा है। नगर निगम और श्री गंगा सभा के सहयोग से हर की पौड़ी से 3,000 गंगा जल भेजी गई है। ये गंगा जल दिल्ली हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा, जिससे महाशिवरात्रि पर शिव भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्ठा खाल में करोड़ों रुपए के योजनाओं का लोकार्पण किया। मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं, उन सभी को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। टिहरी को राजशाही के अन्याय से आजादी दिलाने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया सुमन दिवस। इस मौके पर टिहरी विधायक और डीएम ने जेल परिसर के पास स्थित श्रीदेव सुमन की मूर्ति में माल्यार्पण कर पौधारोपण किया। देहरादून में ग्रेड पे मामले में प्रदर्शन। पुलिस जवानों की फैमिली पहुंची गांधी पार्क। रिटायर्ड पुलिस और राजनीतिक दल भी साथ। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस जनों का परिवार पहुंचा गांधी पार्क। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आजमगढ़ पहुंचकर सीएम योगी के महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि काम करीब करीब पूरा हो चुका है और जो बचा है वो एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा और संभावना है कि 15 अगस्त से इसे शुरू किया जा सकता है। अयोध्या में सावन की शुरुआत के साथ ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नागेश्वर नाथ मंदिर पर शिवजी का अभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना को लेकर मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। प्रयागराज में जहां शनिवार को भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पहुंची। साइना ने संगम और आसपास के कई मंदिरों में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनके पति पारुपल्ली कश्यप भी साथ पहुंचे। आज साइना नेहवाल वाराणसी पहुंची।
राजकुंद्रा का कानपुर कनेक्शन मामला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कुंद्रा के राजदार अरविंद की खास हैं कानपुर की दो महिलाएं। अरविंद के खातों से हर्षिता और नर्मदा के खातों में हुआ लेन देन, दोनों के खातों से 1,81,00,000 रुपए मिले। फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर जालौन के कालपी तहसील के शेखपुर गुड़ा गांव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद ने फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फूलन देवी की मां से बातचीत की। उन्नाव में फूलन देवी के नाम के सारे यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने फूलन देवी की 20 फीट की ऊंची मूर्ति को कब्जे में ले लिया। ।2022 के चुनाव करीब आते ही ब्राह्मणों के इर्द गिर्द सियासत में जुटी पार्टियां। बसपा के बाद अब अखिलेश यादव ने पार्टी के साथ ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाई रणनीति। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मराता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री मनोज पांडे, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना। डॉक्टर लोहिया जी के समाजवाद का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतर आई है, लेकिन ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, वो जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बिहार के बाद अब यूपी में भी अपना विस्तार बढ़ाने के लिए निषाद वोटों को अपने पक्ष में करने की जुगत में है। इसी के तहत बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी वाराणसी के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, उस स्थिति में हमें वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी। पीवी सिंधु ने आज टोक्यो ओलंपिक के महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में इजराइल की केसेनिया को मात दी। मैच के बाद सिंधु ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में आना पूरी तरह से अलग है। सानिया मिर्जा और अंकिता रायना की जोड़ी टेनिस में महिला डबल्स मुकाबले के पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गई। सानिया और अंकिता को यूक्रेन की जोड़ी से मिली हार। ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दावेदार भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के लिए दिन बेहद निराशा भरा रहा। पिस्टल में तकनीकी खराबी के चलते वो मामूली अंतर से फाइनल्स में जगह बनाने से चूक गई और क्वालिफाइंग राउंड में बाहर हो गई। मीराबाई चानू ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड करके फैंस को शुक्रिया अदा किया। मीराबाई चानू ने अपने संदेश में कहा, कल मैंने ओलंपिक में पहला मेडल जीता है। सभी भारतवासियों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं अपना पहला मेडल सभी देशवासियों को समर्पित करना चाहती हूँ।